ओम शांति। बाबा हमें सभी दुखों से मुक्त करने आया है। जन्म जन्म के दुखों की गठरी सिर पर है, अब उस सब को उतार कर स्वयं को संपूर्ण सुखी बना दें। सुखी रहना मनुष्य के अपने हाथ में है। जो मनुष्य ये सोचता है कि ये व्यक्ति अच्छा व्यवहार करे तो मैं सुखी रहूं, मुझे ये ऐसा घर मिल जाए तो मैं बहुत सुखी हो जाऊं, मेरी नौकरी धंधे ऐसे ऐसे चलें तो मैं बहुत सुखी रहूं, उन्हें तो लंबा काल सुखों की तलाश ही करनी पड़ती है। परंतु वो मनुष्य जो ज्ञानी है हर परिस्थिति में सुखी रहना सीख लेता है। तो सुखी रहना हमारे अपने हाथ में है, दुखी तो सारा संसार है। हमें तो मास्टर दुखहर्ता बनना है, सभी को सुखों का मार्ग दिखाना है। हम भला दुखी कैसे हो सकते हैं? लंबे काल से दुखों से मुक्त रहने वाली आत्मा ही मास्टर दुखहर्ता बन जाती है। भक्ति में भी उसकी मूर्तियों के दर्शन करके उसका नाम जप के लोग दुखों से मुक्त होते रहेंगे। तो हम बार बार ये संकल्प किया करें, मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ। सवेरे उठते ही जब भी आप उठें, ये संकल्प प्रारंभ करें, मैं बहुत सुखी हूँ। बाबा आपने आकर मुझे संपूर्ण सुख दे दिया है, आपको बारंबार शुक्रिया। ऐसी फीलिंग्स से दुखों की फीलिंग समाप्त होती जाएगी और हम अपना योग अभ्यास भी बढ़ाते चलें, ताकि हमारे अंदर योग की शक्ति आती चले और संसार के दुख हमें दुख भासने ही नहीं। एक व्यक्ति सूखी रोटी और दाल खा रहा है, वो बहुत सुखी है। दूसरा व्यक्ति कंपेयर कर रहा है, इतना अच्छा भोजन मिलता था, कैसे बुरे दिन आ गए, अब सूखी रोटी खाने को पड़ रही है, हे भगवान तुमने हमारे लिए ये क्या कर दिया। दोष भगवान को देते रहते हैं, धन्यवाद नहीं देते कि तुम हमें दाल रोटी दे रहे हो, आपको बारंबार शुक्रिया। तो किसी दुख को दुख मानना ये अज्ञान है। हम बड़े से बड़े दुख को भी एक साधारण सी घटना मान लें, पूर्ण हो गया और पुनः सुखी हो जाएं। किसी को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, कार भी टूट गई, लेकिन वो व्यक्ति बहुत सुखी कि चलो कोई बात नहीं, ग्रहचारी उतर गई, कार भी मिल जाएगी, हड्डी टूटी वो भी जुट जाएगी, हम जीवित हैं, एक दो मास में पुनः वैसे ही हो जाएंगे। बाबा ने हमें अच्छा मौका दे दिया है, हम बहुत व्यस्त रहते थे, अब थोड़ा हल्का रहेंगे, घर में बैठकर अपना काम करते रहेंगे, अपनी आध्यात्मिक कमाई करते रहेंगे। तो अपने संकल्पों को चेंज करते हुए सदा दुखों से मुक्त रहकर हमें अपने अंदर इतने सुख भर लेने हैं कि हमारे चेहरे को देख कर ही दूसरे सुखी हो जाएं। रोज सवेरे उठकर प्रभु मिलन का सुख लें, ईश्वरीय महावाक्य सुनने का सुख लें, पुण्य कर्मों का सुख लें। समय पर हमको कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई है, इस चिंतन से सुखी हो जाएं। तो जितना सुंदर चिंतन हमारे अंदर होगा उतना ही हम सुख स्वरूप रहेंगे और हमारे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे, आपके घर में भी सुखों के वाइब्रेशंस फैल जाएंगे। तो आज सारा दिन हर घंटे में कम से कम 5 बार ये अवश्य याद कर लें, मैं आत्मा संपूर्ण सुखी हूँ, मैं संपूर्ण सुखी हूँ। और बाबा
आपने आकर मुझे बहुत सुख दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। इस तरह आज बाबा से जुड़े रहेंगे और अपनी सुख स्वरूप फीलिंग को बढ़ाते चलेंगे। ओम शांति।